सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब अपने पेटीएम बैंक को आप ऐड करें तो फाइनली आपके सामने वी आर अनेबल टू लिंक और बैंक अकाउंट रन का इशू आ जा रहा है। फाइनली जो पेटीएम आपका बैंक अकाउंट है यहाँ पे नहीं ऐड हो पा रहा है, जिस वजह से गाइस आप यहाँ से अपने पेटीएम बैंक को ऐड करके आप यूपीआई नहीं यूज कर पा रहे, मतलब कि अपने पेटीएम बैंक को ऐड करके पैसा वगैरह नहीं भेज पा रहे हैं। बट गाइस यहाँ पे देख जितने भी पेटीएम यूजर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, या फिर जो पेटीएम यूज करना चाहते हैं फ्यूचर तो उनके लिए यहाँ बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तो यहाँ पर गाइस पेटीएम में गुड न्यूज ये है कि जो प्रॉब्लम है पेटीएम में वी आर अनेबल टू लिंक योर बैंक अकाउंट नाउ का जो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो भैया जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा जिस वीडियो में कि ये जो प्रॉब्लम आपके पेटीएम में यार इसको आप कैसे ठीक करेंगे कैसे सही करेंगे। तो यहाँ पर गाइस आप यकीन माने अगर गाइस यहाँ पर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है आप इसको 100% सॉल्व करना सीख जाएंगे, मतलब इसको ठीक करना सीख जाएंगे। तो आके मैं गाइस अगर आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं इसलिए आप सिंपली प्रॉपर वीडियो पर आए हैं, तो सिंपली आप क्या करिए इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो अब चलिए गाइस यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप जो प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, तो इसके लिए आप सिंपली इस वीडियो को पेशेंसली देखिए और पूरा देखिए। तो चलिए जब मैं आपको बताने स्टार्ट करता हूँ तो सिंपली क्या जब आप यहाँ क्या करेंगे अभी क्या अपने पेटीएम से आप एग्जिट हो जाएंगे। देखिए पेटीएम से एग्जिट आप जैसे हो जाएंगे तो यहाँ पर जब आप क्या करेंगे अभी क्या आपके फोन में जो पेटीएम एप्लीकेशन है आप यहाँ पर इसको प्रेस करके रखेंगे तो 3 सेकंड के लिए। अब देखिए पेटीएम को 2-3 सेकंड के लिए आप जैसे होल्ड करके रखेंगे या फिर प्रेस करके रखेंगे तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे अभी गाइस यहाँ पे देखिए आपको डिलीट आइकन मिलेगा तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, या फिर गाइस किसी किसी फोन में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख जाएगा तो आप यहाँ अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर गाइस आपका जो पहला पर्पज रहेगा वो ये रहेगा कि आपको हर हाल में जो पेटीएम एप्लीकेशन अपने फोन से अनइंस्टॉल कर देना है। अब यहाँ से देखिए मेरा जो पेटीएम एप्लीकेशन है यहाँ पर देखिए अनइंस्टॉल हो चुका है। तो अब चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अब सिंपली गाइस यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे अगर गाइस हमारे चैनल पर पहली बार है तो सिंपली गाइस जब आप यहाँ पे क्या करेंगे अभी आपने सब्सक्राइब पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से गाइस आप क्या करेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गाइस आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे अभी यहाँ पर आप जो वीडियो देख रहे हैं सिंपली गाइस आप इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे। अब देखिए टाइटल पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस आप यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ऑप्शन पेटीएम ऐप का लिंक आ जाएगा तो यहाँ पे आप इस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे जो लिंक है फ्रेंड ये RBI बैंक थ्रू अप्रूवल लिंक है। तो अब गाइस आप क्या करेंगे आप इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पर पहुँचा देगा। तो यहाँ पे गाइस आप क्या करेंगे आप यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करके इस पेटीएम ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे अपने फोन में। एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो रहा है। अब यहाँ पे गाइस आपको सिंपली क्या करना है अब गाइस आप यहाँ ओपन पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। अब देखिए पेटीएम को आप जैसे ओपन करेंगे तो गाइस आपके सामने पेटीएम का जो लॉगिन पेज होगा आप यूँ कह लीजिए जो साइन अप पेज होगा आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पे जब आपको आगे क्या करना है अभी गाइस यहाँ पर आपको पेटीएम में जिस बैंक के साथ इशू हो रहा था तो यहाँ पे गाइस आपके उस बैंक से आपको जो भी नंबर लिंक था उस नंबर को आप यहाँ एंटर करेंगे और सिंपली जब आप यहाँ नीचे आएंगे और आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इस तरह से गाइस यहाँ पर आप नंबर को एंटर करेंगे और अब गाइस आप यहाँ नीचे आएंगे और आप यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए परमिशन आएगा तो आप यहाँ पर अलाउ करेंगे। आप सिंपली गाइस यहाँ पे देखिए आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा और हमें देखिए वेरीफाई भी हो जाएगा। अब आपके सामने ऐसा पॉपअप आएगा तो आप यहाँ क्रॉस मार्क पे क्लिक करके इसको कट कर देंगे। सो फाइनली गाइस एज यू कैन सी हियर अब देखिए आपके सामने पेटीएम का जो होम इंटरफेस होगा देखिए आपके सामने तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस जब आपको क्या करना है अभी जब आप यहाँ पेटीएम के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपके पेटीएम का जो प्रोफाइल आइकन होगा वो यहाँ पे शो होगा तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए प्रोफाइल आइकन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस आपके सामने पेटीएम का जो प्रोफाइल डैशबोर्ड होगा देखिए ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस जब आपको क्या करना है अभी जब आप यहाँ नीचे जाएंगे अब देखिए नीचे आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जब आपको एक ऑप्शन शो होगा यहाँ देखिए लिखा यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग का तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके सामने यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग का जो डैशबोर्ड होगा देखिए तरह से ओपन हो जाएगा। आप चलिए यहाँ से बताता हूँ कि आपको बैंक कैसे ऐड करना है। तो अब गाइस सिंपली क्या करेंगे अभी जब यहाँ नीचे आएंगे अब देखिए जैसे आप नीचे आएंगे तो अभी गाइस अगर आपके पेटीएम में पहले से कोई बैंक ऐड होगा तो बैंक यहाँ पे शो होगा। अब गाइस अगर आपको यहाँ पे न्यू बैंक ऐड करना है तो गाइस आप सिंपली क्या करेंगे आप यहाँ ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ऐड बैंक अकाउंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो गाइस आपके पेटीएम में सभी बैंक की लिस्ट होगी आ जाएगी ओपन होकर। अब यहाँ से गाइस आप जिस बैंक को ऐड करना चाहते हो बैंक आप यहाँ चूज कर लेंगे। चलिए गाइस जहाँ से मेरा जो बैंक है वो यहाँ से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है तो यहाँ से मैं उसको चूज कर लेता हूँ। चलिए गाइस यहाँ पर मैं अपने बैंक को सर्च कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मैं कॉल यूनियन टाइप किया तो गाइस यहाँ पे देखिए मेरा जो बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे आ चुका है। चलिए मैं इसको चूज कर लेता हूँ। देखिए डिटेल यहाँ पर फाइंड हो रहा है। अभी गाइस यहाँ पर आपने बिफोर 10 सेकंड लाइव देखा होगा कि मेरा जो बैंक था ऐड हो रहा था बट गाइस यहाँ पे देखिए मेरे सामने इशू आ गया। यहाँ पे देख लिखा हुआ है वी आर अनेबल टू लिंक योर बैंक अकाउंट राइट नाउ का।
तो फाइनली गाइस यहाँ पर बहुत ही सैडनेस की बात है। अब चलिए गाइस यहाँ से बताता हूँ कि जो प्रॉब्लम आपको क्यों आ रहा है बार बार और इसको आप कैसे ठीक करेंगे। तो गाइस जब आप यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है डोंट वरी, मतलब कि आप चिंता करने की कोई बात नहीं। अब गाइस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विल नोटिफाई यू सून एज लिंकिंग इज पॉसिबल, यू कैन मे पेमेंट इन पेटीएम थ्रू अदर यूपीआई आईडी वाई डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग। तो गाइस जब ये कह रहा है कि हम आपको जल्दी ही नोटिफाई कर देंगे जैसे ही पेटीएम न्यू बैंक अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि यू कैन मेक पेमेंट इन पेटीएम थ्रू अदर यूपीआई आईडी वाई डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग। तो गाइस जब ये कह रहा है कि आप पेटीएम में अपने डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई वगैरह को ऐड करके इसके थ्रू आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, बट गाइस जब आपको अगर आप यूपीआई यूज करना चाहेंगे तो आप पेटीएम यूपीआई नहीं यूज कर पाएंगे। अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको पूरा समराइज करके एक ही सेंटेंस में बताना चाहूँ। तो अभी गाइस ये कह रहा है कि अगर आप पेटीएम में भी न्यू बैंक ऐड करेंगे तो गाइस अभी आप पेटीएम न्यू बैंक नहीं ऐड कर पाएंगे, क्योंकि जब पेटीएम जो आरबीआई के थ्रू बैन लगा हुआ था अभी जो बैन यहाँ पे नहीं रिमूव हुआ, इस वजह से आप यहाँ पेटीएम न्यू बैंक नहीं ऐड कर पाएंगे। हालांकि गाइस यहाँ पर मैं अभी आपको बताना चाहूँ तो पेटीएम में जो न्यू बैंक अकाउंट ऐड होना जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, न्यू बैंक अकाउंट ऐड होना पेटीएम में। फिलहाल गाइस अभी जो करंट सिचुएशन है अभी पेटीएम में न्यू बैंक नहीं ऐड हो रहा है। तो फाइनली गाइस मुझे इस वीडियो में आपको यही बताना था, तो आई होप वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर गाइस आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।